मित्रों, सबसे पहले मैं अपने सभी नव निर्वाचित विधायक मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा में जहां एक तरफ पुराने और अनुभवी साथी भी विधायक चुन के आए हैं, वहीं नई पीढ़ी का भी पर्याप्त समावेश है। और एक और आनंद का विषय है, पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है। श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी उमंग सिंगार जी हैं। और पीढ़ी परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दोनों पक्षों में देखने मिल रही है। और इसको हमको, जहां तक मैं सोचता हूं, बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफ मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छुएगी। मैंने लगभग 17 साल मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा की, और विकास हो या जनकल्याण, मुझे आत्मसंतोष भी और गर्व भी है कि अपनी जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मैं बहुत काम कर पाया। लेकिन स्वाभाविक रूप से एक राज्य के नागरिक के नाते मेरी यही इच्छा है कि श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मुझसे बेहतर काम हो। सोचने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन नागरिक और अच्छे व्यक्ति के नाते अगर हम सोचें कि मैंने अच्छा किया लेकिन मुझसे अच्छा मेरे बाद आने वाला मुख्यमंत्री करे, और मैं श्री मोहन यादव जी को, राजेंद्र शुक्ला जी को, जगदीश देवड़ा जी को और आने वाले मंत्रिमंडल को न केवल शुभकामनाएं देता हूं बल्कि सकारात्मक और सक्रिय सहयोग करूंगा। विधायक दल के नेता के नाते वो हमारे भी नेता है, और दूसरे विधायक के नाते भी मैं विधानसभा को ईंटगारों का भवन नहीं मानता, पवित्र मंदिर मानता हूं। तो मुझ में ये भाव भी नहीं है कि नहीं, मैं तो बड़ा हूं, मैं विधायक हूं तो विधानसभा मेरा मंदिर है। और एक विधायक के नाते पूरी सक्रियता के साथ मैं विधानसभा में भी काम करूंगा। मेरी बुधनी क्षेत्र की जनता जिसने बिना जाए मुझे सदैव भारी बहुमत से जिताया है, इस बार भी 1,05,000 वोटों से जीता हूं, तो वहां का विकास मेरी स्वाभाविक ड्यूटी है, कर्तव्य है। लेकिन प्रदेश की जनता की भी भावनाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होता है, वो भी मैं करता रहूंगा, और मैं बहुत आनंदित और प्रसन्न हूं। सर, दिल्ली आज बुलाया है आपको, आप जा रहे हैं दिल्ली? आज विधानसभा में नए मित्र शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और जिस ढंग से नई सरकार ने काम शुरू किया है वो आनंद और प्रसन्नता देने वाला है। एक बार मेरी फिर शुभकामनाएं। सर, दिल्ली बनाया है, दिल्ली जा रहे हैं क्या? बैठक है जेपी नड्डा जी से। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है,
और जब एक मिशन में आप काम करते हो तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहां काम करोगे। जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। कुछ विषय ऐसे है जैसे पर्यावरण, अब पर्यावरण मेरा प्रिय मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण मेरा प्रिय विषय है, वो अंतरात्मा से निकला हुआ विषय है, और बच्चों से जो मेरी आत्मीयता और लगाव है, तो बाल कल्याण, ये विषय ऐसे हैं कि जो अंतरात्मा से मैं करता रहूंगा।